चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। हम लोगों ने कल ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू शेयर कैपिटल। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि दो प्रकार के कैपिटल हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं। एक इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक इक्वल वोटिंग राइट्स, एक DVR है ना। फिर इक्विटी के बाद हम लोग कुछ प्रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके भी कुछ वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है साफ साफ, वोटिंग राइट्स सेक्शन 47 ऑफ मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग, देखो वो सर्कल ही बता रहा है किसके वोटिंग राइट्स ज़्यादा है ना, इक्विटी शेयर के सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़े कम प्रेफरेंस शेयर के, और जो प्रपोर्शन है वो कैसे डिसाइड होता है। और जो नॉर्मली जो वोटिंग राइट्स होते हैं मीटिंग में, ध्यान दे रहा हूँ, वोटिंग राइट्स नॉर्मली वो होते हैं वन मैन वन वोट। मगर जब मीटिंग में डिसीजन नहीं निकलता, अब पोलिंग की जाती है, पोलिंग की डिमांड ना, मीटिंग में जो डिसीजन लेने के तरीके होते हैं अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जैसे शो ऑफ हैंड्स, तो जब पोलिंग की डिमांड की जाती है कि पोलिंग करो, तो पोलिंग में जो वोटिंग राइट्स का प्रिंसिपल होता है वो होता है वन शेयर वन वोट। तो इट मीन्स अब समझ में आया, और DVR में क्या था, जो प्रमोटर्स के MP उनके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा होते थे, भले उन्हें रेट ऑफ डिविडेंड कम मिले, तो पोलिंग में उन्हीं के डिसीजंस की वैल्यू ज़्यादा होती थी। जिसके पास शेयर ज़्यादा होंगे डेफिनेटली उसके वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्लियर है ना। अब जैसे वन शेयर वन वोट है, तो हो सकता है किसी को वन शेयर वन वोट मिले, किसी को फाइव शेयर वन वोट मिले, लॉजिक समझा, ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी तो DVR हुआ एक प्रकार का, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, किसी को 1:1 मिले है ना, और किसी को 5:1 मिले। तो ये भी एक तरीका होता है कंपनी का अपने हाथ में कंट्रोल रखने का। क्या लिखा है साफ साफ, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 ऑफ 50 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ 188। सेक्शन नहीं बोलने का, 188 टू सबसेक्शन 50। Every member of a company limited by shares and holding equity share capital shall have a right to vote on every resolution placed before the company। हर वो resolution जो कंपनी के मीटिंग में रखा जाता है, चाहे वो ordinary resolution हो चाहे वो special resolution हो, उस पर मेम्बर को वोट करने का अधिकार है। ये आपको याद रखना है, सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ 50 एंड 1 ऑफ 188, ठीक है। और जब पोल की डिमांड होती है, ध्यान देना इस बात को, जब वोटिंग में डिसीजन नहीं निकलता तो पोलिंग की डिमांड होती है, तो पोलिंग में जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, देखो लिखा भी है इसमें, हिज वोटिंग राइट ऑन ए पोल शैल बी प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन पेड अप कैपिटल। जितना तुमने शेयर खरीदा है उतने तुम्हारे वोटिंग राइट्स काउंट होंगे। तो वही वन शेयर वन वोट, क्लियर हुआ, पोलिंग में है ना। और पोलिंग की डिमांड वो करेगा जिसके पास में कंपनी का 1/10 का पेड अप कैपिटल है, वही शेयर होल्डर कंपनी में पोलिंग की डिमांड करता है। कम से कम 1/10 का उसके पास पेड अप कैपिटल है, या 1/10 के उसके पास में वोटिंग राइट्स हैं, उससे छोटे वैल्यू के अगर शेयर होल्डर होंगे तो वो पोलिंग की डिमांड नहीं कर सकते। अब एक्सेप्शन है निधि कंपनी के लिए, निधि कंपनी तो आपको पता ही है, वह कंपनी छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, तो उनके लिए कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 of 47 कहता है, ध्यान से पढ़ना, शेल अप्लाई सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट नो मेंबर शेल एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे पूरे शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स हो गए फॉर एग्जाम्पल 1000, तो इंडिविजुअल मेंबर के जो वोटिंग राइट्स होंगे उसके 5% से ज़्यादा नहीं होगा। आप 1000 का 5% निकाल लो, एक इंडिविजुअल उससे ज़्यादा अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ नहीं करेगा परसेंटेज में, मतलब जो उसके जो टोटल जो उसका कैलकुलेशन होगा वोटिंग राइट्स का, वो टोटल वोटिंग राइट्स का मैक्सिमम 5% होगा,
कि अगर एक इंडिविजुअल को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। वोटिंग राइट्स ऑफ होल्डिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल, एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर हु इज होल्डिंग एनी प्रेफरेंशियल कैपिटल रिस्पेक्ट टू सच, देखो बहुत ईजी है, दे हैव राइट टू वोट ओनली ऑन रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी, जो डायरेक्टली उनके राइट्स को अफेक्ट कर रहा हो। नॉर्मल मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करते। और वॉट इज देयर राइट्स, देयर रेट ऑफ डिविडेंड या देयर अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अगर इसमें कोई छेड़खानी कर रही है कंपनी बिना पूछे, इसको कम कर रही है ना, तो फिर ये अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग करेंगे अपनी खुद की एक मीटिंग कॉल करके, ठीक है। कंपनी को अगर वाइंड अप किया जा रहा है वहाँ पर ही अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। कंपनी में अगर रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल है रहा है और वो रिपेमेंट सही नहीं है, जितना पैसा चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन समझते हैं, जितना आप इशू करने वाले थे अगर आप उससे कम कर रहे हो तो मतलब कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती अगर कंपनी रिडक्शन कर रही है तो इन केसेस पे, ठीक है, इट मीन्स कंपनी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू हैव मोर कैपिटल इन फ्यूचर। तो अगर आप ये सब काम करोगे, रीपेमेंट बिफोर द टाइम, पे रिडक्शन है ना विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, तो वहाँ पर ये अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। इनके वोटिंग राइट्स भी कैसे हैं, सिंपल दिया है यहाँ पर, बहुत ईजी है। इस वोटिंग राइट ऑन ए पोल शेल बी वही, जितने के शेयर होंगे उतने के वोटिंग राइट्स कैलकुलेट होंगे, वन शेयर वन वोट। मगर मैं वही बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 1:1 हो, वो 5:1 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे उसके उतने वोटिंग राइट्स ज़्यादा होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हो गया प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स क्या होगा, द प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स टू द वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज द बिल्डअप कैपिटल, मतलब जितना इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलेगा प्रोपोर्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर को अगर 2:1 मिला तो प्रेफरेंस को भी 2:1 मिलेगा, है ना, इन द सेम प्रोपोर्शन एज द पेड अप कैपिटल रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर, बी एज द पेड अप कैपिटल रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि अगर उन्होंने अगर पेड अप कैपिटल सेम लगाया है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 करोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो पोलिंग में दोनों को वोटिंग राइट्स सेम मिलेगा, है ना, ध्यान रखने का। ये इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपने छोटा सा, तो भूलने का नहीं, कब कब इनके वोटिंग राइट्स सेम रहेंगे, अगर दोनों के पेड अप शेयर कैपिटल सेम है तो पोलिंग में, ठीक है। और अगर आपने इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ध्यान देना बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स तक उनका डिविडेंड नहीं दिया, कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स तक, तो मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो कंपनी ने NCLT के पास जाकर, अगर आपने उनको 2 साल तक कंटिन्यू डिविडेंड नहीं दिया क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को, तो उसके बाद वो जो भी रेजोल्यूशन कंपनी पे पास होंगे हर रेजोल्यूशन पे वोट करेंगे, और हाँ वो डायरेक्ट क्या करेंगे, NCLT के पास जाएंगे, NCLT को बोलेंगे कंपनी को वाइंड अप करो, क्योंकि कंपनी 2 साल तक डिविडेंड नहीं दे रही, मतलब कंपनी के पास में इनफ प्रॉफिट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हर इक्विटी शेयर होल्डर चाहे वो 1-1 वन वोट वाला हो या 1 शेयर 1 वोट इक्वल वोटिंग राइट्स वाला हो या डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला हो, सबके पास अधिकार है AGM में भी वोट करने का, जो फाइनेंशियल ईयर के अंत में होती है और जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में हो सकती है AGM, उसमें भी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होते हैं, है ना, क्लियर है। द वोटिंग राइट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ क्लास ऑफ शेयर, सेम वही यहाँ पर भी वोटिंग राइट कैसा है, पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से, याद रखना इसको। इनके अलावा जो नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं उनको भी वही सेम अधिकार दिया गया है AGM और EGM में। अब समझो कि जो प्रमोटर्स हैं KMP इनके पास शेयर क्यों ज़्यादा होते हैं और रेट ऑफ डिविडेंड क्यों कम होता है, क्योंकि वोटिंग राइट्स में लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वोटिंग राइट्स फॉर सिक्योरिटीज़ आर नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट, लाइक इट इज़ नॉट 1 person 1 vote, जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना हमारी, कि 1 person का एक ही वोट होता है, बट इट है ना, बट दीज आर बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ शेयर्स एंड देयर मॉनेटरी वैल्यू, जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे, जितने ज़्यादा रुपए के शेयर खरीदोगे उतने तुम्हारे वोट काउंट होंगे, सिंपल है। और तुम कौन से क्लास ऑफ शेयर खरीद रहे हो, इक्विटी खरीद रहे हो या प्रेफरेंस खरीद रहे हो,
इक्विटी में भी कौन सा खरीद रहे हो, इक्वल वोटिंग राइट्स खरीद रहे हो या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स खरीद रहे हो ना, क्योंकि इनको थोड़े बेनिफिट ज़्यादा है। ठीक है, ये वो वैल्यू होती है जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, भूलना नहीं है, फेस वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट जो एक्चुअली डिसाइड करती है कंपनी, जो मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं उसको नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये वोटिंग राइट्स का एक चार्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ये वोटिंग राइट्स का चार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जब इक्विटी शेयर में लिखा एन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी, नॉर्मल वोटिंग राइट्स वन मैन वन वोट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है, प्रोपोर्शन टू पेड अप समझा आपको, है ना, जितना पैसा लगाओगे उतने वोटिंग राइट्स अकाउंट होंगे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या है, आर्टिकल में लिखा रहेगा इनको एक 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 शेयर पे ज़्यादा वोट भी मिल सकते हैं, है ना, इनके वोटिंग राइट्स एज कम्पेयर टू इनके मुकाबले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये जब बोलते हैं ना प्रपोर्शन वर्ड आया तो आपके दिमाग में आएगा ये, सॉरी गाइस, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये इसमें काउंट होता है, वोटिंग में नहीं, मतलब नॉर्मल वोटिंग में नहीं, पोलिंग में। और पोलिंग के डिमांड वो करेगा जब वोटिंग फेल होगी, तो इनके जो वोटिंग राइट्स है वो यहाँ लिखे रहेंगे, या तो जब शेयर इशू होते तब टर्म्स ऑफ इशू या आर्टिकल में। ठीक है, तो डेफिनेटली इनके जो वोटिंग राइट्स है वो इनके मुकाबले थोड़े ज़्यादा रहते हैं तगड़े। ठीक है, 2 साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो वाइंड अप के लिए गुजारिश करोगे एनसीएलटी के पास में, क्योंकि तो उनका डायरेक्टली इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। कौन से प्रेफरेंस शेयर की बात करूँ मैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव का मतलब यही होता है जिनके डिविडेंड ना मिलने पर उनके डिविडेंड को एक्यूमुलेट करो कम से कम 2 साल तक। ओके, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 47 शेल नॉट अप्लाई, क्योंकि कंपनी का अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है तो। ठीक है, क्योंकि इनके वोटिंग राइट्स ये अपने हिसाब से रखते हैं, इनके अपन पब्लिक कंपनी को थोप नहीं सकते, इसलिए 47 सेक्शन अप्लाई नहीं रखा है। ठीक है, ये तो ऐसे करेंगे प्राइवेट कंपनी वाले कि ये तो पूरा कंट्रोल अपने पास रख लेंगे, जो मालिक है इस कंपनी का, जो मेरे वो मेम्बर्स होंगे तो लिखा ना, ये तो ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं अपने पास में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। यार एक बात बताओ, आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और वो कंपनी अगर आपके राइट्स को वेराई करती है, आपसे पूछ के करती है तो अच्छा है, अगर आपसे बिना पूछे करेगी तब अलाउ करोगे कि नहीं नहीं सर अलाउ नहीं करेंगे, बस वही करना है अपने को। अगर आप किसी भी शेयर होल्डर के राइट्स को उससे बिना पूछे चेंज करते हो, चाहे वो डिविडेंड का राइट हो, वोटिंग राइट हो, तो वो फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर विथ कंसेंट, आपको उनसे पूछना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्लास ऑफ शेयर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट्स हो, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो, आपको उनसे राइटिंग में कंसेंट लेनी पड़ेगी और कम से कम 3/4 शेयर होल्डर को एग्री करना पड़ेगा उसमें, यानी 75% ऑफ शेयर होल्डर उस वेरिएशन के लिए एग्री करना चाहिए ना, कम से कम 3/4, यानी स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो रहा है। ठीक है, लिखा है स्पेशल रिजोल्यूशन 3/4 मतलब 75%, और एक सेपरेट मीटिंग की जाएगी। अब उसको EGM बोलो या क्लास मीटिंग बोलो, क्लास मीटिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि क्लास ऑफ शेयर होल्डर की होती है। ठीक है, लिखा भाई, इफ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सच वेरिएशन, अगर उस वेरिएशन के प्रोविजन ऑलरेडी मेमोरेंडम में लिखे हैं और आर्टिकल में लिखे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है ना, आप रिजोल्यूशन पास करवा दो, कोई तकलीफ नहीं। सेकेंड क्या लिखा है, बी इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन, अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐसा कोई वेरिएशन का प्रोविजन नहीं है, तो इफ सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इशू,
कुछ याद होता है टर्म्स का मतलब क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू करती है ना तो प्रॉस्पेक्टस में कुछ टर्म्स लिखे रहते हैं, तो हो सकता है टर्म्स में वो वेरिएशन के बारे में जिक्र हो। तो इफ़ नथिंग इज़ गिवन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो लिखा होगा प्रॉस्पेक्टस में या अलॉटमेंट लेटर में, है ना, या एप्लीकेशन में। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहा था। इफ़ वेरिएशन ऑफ इन वन क्लास, अगर आप किसी एक शेयर होल्डर के राइट्स को चेंज कर रहे हैं, उससे अगर किसी और शेयर होल्डर के राइट्स को अफेक्ट हो रहा है, लॉजिक समझो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड को बढ़ाया, उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। इनके इनको बढ़ाओ और इनको तो कम मत करो, तो फिर आपको इन लोगों से परमिशन लेनी होगी और इसमें 3/4 लोगों का हाँ बोलना ज़रूरी है, जो बहुत मुश्किल है बोलवाना। सेम वाइस वर्सा, अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड को बढ़ाते हो और उससे इक्विटी का अगर कम होता है, तो सेम 3/4 आप इधर पूछोगे। लॉजिक समझे ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक के राइट मिलने से दूसरे के राइट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कोई शेयर होल्डर है जिसके पास भी लिखा उसमें नो कंसेंट फॉर वेरिएशन, उन लोगों से कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास 10% से कम के शेयर्स हैं। अभी तो ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, नॉट लेस देन 10%, जिनके पास में 10% से कम के होंगे उनसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिनके पास 10% से ज़्यादा के शेयर थे, कंपनी ने अगर उनसे भी नहीं पूछी तो फिर वो किसके पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास में, नेशनल कंपनी का ट्रिब्यूनल, और बोलेंगे उस वेरिएशन को क्या करो, कैंसिल करो, वो हमारे राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। ध्यान देना, इससे अगर कम है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, और 10% से अगर ज़्यादा है ना तो फिर आपको पूछना होगा, नहीं पूछोगे तो किसके पास जाएगा? ट्रिब्यूनल के पास में वेरिएशन कैंसिल। 10% समझा ना क्या है, जितने के भी शेयर इशू किए, जितने भी शेयर इशू किए, अगर एक व्यक्ति के पास में 10% का शेयर है टोटल वोटिंग राइट्स के साथ। ठीक है, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही आपको वो कंसेंट मिली वेरिएशन के लिए, बोले उसमें एक एप्लीकेशन तो गया, अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 21 days आफ्टर द डेट ऑन विच द कंसेंट वॉज गिवन और रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। ना जिस दिन रेजोल्यूशन पास्ड होगा वेरिएशन का, उसके 21 days के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू मेक द एप्लीकेशन बाय सच वन और मोर देयर नंबर एज मे बी अपॉइंटेड राइटिंग फॉर द पर्पस। ठीक है, कंसेंट लेने के, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रेजोल्यूशन सही पास नहीं हुआ या वो कंसेंट सही नहीं है या कुछ गड़बड़ है, तो आप 21 days के अंदर किसी प्रकार की एप्लीकेशन लिख के कंपनी को उस बारे में अवगत करवा सकते हैं। ठीक है, चल बढ़िया। ये जब भी ये वर्ड आएगा तो ध्यान रखने का, सबसेक्शन 2(1) भी पढ़े ऊपर, ये पढ़ रहे ना, ये ऊपर जो पढ़े ये सबसेक्शन 2 है। ठीक है, ये सबसेक्शन 1 है, अपन किसके सबसेक्शन पढ़ रहे हैं? 48(1, 2). ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? अब देखो, अब अपने द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल और एनी एप्लीकेशन, अब देखो हो सकता है ना, कौन एप्लीकेशन लिखेगा? जल्दी बोला, मैंने अभी बताया सर, वो शेयर होल्डर जिनको आपत्ति है कंपनी के वेरिएशन से, जिनके पास में कंपनी के 1/10 के वोटिंग राइट्स या शेयर कैपिटल है, तो उनकी एप्लीकेशन पर अगर ट्रिब्यूनल को लगा कंपनी ने कुछ गड़बड़ की, अभी मैंने सबसेक्शन 2 पढ़ाया आपको, तो जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल लेगी कि वेरिएशन कैंसिल करने का, वो कंपनी पे बाइंड होगा और शेयर होल्डर पे भी बाइंड होगा। ठीक है, ओके, ये साफ साफ लिखा है ऊपर। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फाइलिंग द कॉपी द कंपनी शेल विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल फाइल अ कॉपी देयर विद द रजिस्ट्रार। अगर फेवर में किसके आया, कंपनी के फेवर में अगर डिसीजन आता है कि भाई हमने तो इनसे पूछा था,
अब ये क्यों आपत्ति कर रहे हैं, और ट्रिब्यूनल ने हमारे फेवर में डिसीजन लिया है ना। तो वो जो कॉपी ऑफ ऑर्डर होगी ना, उसको किसको देंगे, रजिस्ट्रार को। वो ऑर्डर आने के कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। ओके समझा, ठीक है, आपका समझा ना है ना, कहाँ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ध्यान में रखने का आपका। और लास्ट क्या है, वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कम्प्लाई विद द प्रोविजन। ये 50 बार पढ़ चुके हैं अपन। अगर कंपनी किसी प्रकार के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती है, जैसे कंसेंट नहीं लेती है ना, जो ऑर्डर ऑफ कॉपी है वो नहीं फाइल करती है उसी के पास में, जो भी ऑर्डर आया उनके फेवर का या उनके अगेंस्ट का, तो कंपनी का फाइन लगेगा नॉट लेस देन 25,000, कम से कम 25,000 का, जो 5 लाख तक जा सकता है। और जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, क्रिमिनल सिविल दोनों लाइबिलिटी आती है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी आ गई 6 महीने की सज़ा और फाइन। जो फाइन है वो कम से कम मिनिमम 25,000 और एक्सटेंड टू 5 लाख। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पढ़ना पड़ता है, याद रखना, ठीक है, का समझा। चलो बढ़िया। सबसेक्शन टू मत भूलना, 1 मत भूलना, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये लाइन को याद रखना, एक लाइन बताता हूँ आपको मैं, ये याद रखना, ये वाली, दे में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल वेरिएशन कैंसिल, के कैंसिल करो कंपनी का वेरिएशन। जो एप्लीकेशन मिलेगी ट्रिब्यूनल को, द वेरिएशन शेल नॉट, तब तक अफेक्ट नहीं आएगा जब तक कि ट्रिब्यूनल उसको कन्फर्म ना कर दे। और वो एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर लिखनी है, अभी अपने नीचे पड़े, जल्दी बताओ वो वेरिएशन कितने दिन के अंदर लिखनी है, रिजोल्यूशन के पास होने के 21 डेज। तो कोई भी लिख सकता है, मेंबर के बिहाफ में कोई भी लिख सकता है, मेंबर खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया आपका, पक्का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इस पर भूलने का नहीं है ना। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट सेक्शन 48 ना, एग्जेम्पशंस नहीं भूलने का, ठीक है। ये जब ये होते हैं सब सेक्शंस, इनको याद रखने का है ना, ये होते हैं सब सेक्शंस, प्रपोर्शंस, ओके, ठीक है, चलो।